दे दोस्तों। और हम उठ गए हैं 8 बजे और अभी हो रहा है 8:30। तो उठने के बाद में थोड़ा सा ये पानी वानी भर आ गया था, तो देखिए टब में पानी हमने भरा है बच्चों के लिए आज नहाने के लिए। ईशान का आज छुट्टी है स्कूल का, तो इसीलिए आज के पानी भर लेते हैं, बच्चे आज नहा लेंगे। देखिए पानी भर चुका है इसमें। और साई स्कूल जाएगा तो साई के कर देते हैं रेडी। हाँ, तो साई के डैडी तो उसको नहला रहे हैं अभी। और अभी मैं अब जा रही हूँ किचन में, बना लेती हूँ उसके लिए नाश्ता। और मैं तो फ्री हूँ आज, पूरे दिन फ्री हूँ। साई इशू तो आज पूरा दिन फ्री है बोल रहा है, तो साई अभी नहा लेगा तो उसके लिए नाश्ता भी रेडी कर देती हूँ। और साई हो गया है देखिए रेडी। गाइस वेलकम माय न्यू ब्लॉग। मैं अब नहा चुका हूँ, मैंने बैग भी पहन लिया है, तो चलते हैं। दोस्तों अभी साई नहा भी लिया, रेडी भी हो गया, और अभी ना ये इसको डैडी कर रहे हैं पूजा। लेट हो जाएगा, बाय बेटा। ये देखो ये आ गया है रियाज। ये रियाज का काना है, ये काना। आज छुट्टी हो गई है इसकी। ये देखिए पुष्पा चल रहा है इनका, लेटे लेटे पुष्पा चल रहा है पराठा खा। चलो ईशु क्या करता है कि ऐसे पराठा खाता है, ये मसाला पराठा बना देते हैं। पराठा बनाती है मम्मी, तो मैं सॉस और मेयोनीज लगा के खाता हूँ इसमें, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुंह में लार भी आ रही है। तो पहले मैं ले आती हूँ साई को, और फिर मैं ना आके आगे का काम खत्म करूंगी। और पानी इसमें भरा हुआ है बच्चों का, तो देखना आते ही साई ना पूल के लिए भागेगा कि हाँ मुझे तो स्विमिंग करनी है, ऐसे करेगा। अभी हम पहुंच गए हैं स्कूल, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों का आवाज़ तो आ रहा है। वापस बात भी हमारे साथ, वो जो मम्मी ने एसी चला दिया है, देख सकते आप ये जो है ना, ये जो बटन होता है ना, मैं आपको अभी दिखा दूँ। हाँ ये जो बटन है, ये क्या है, ये कौन सा बटन है, ये एसी चलाता सब कुछ ना। बैग वैग कुछ नहीं पकड़ा है, मुझे दे दिया है बैग और भाग के गया है आगे कच्चा बादाम करते हुए। क्या बोलते हैं, साई कैसे कपड़े पहनेगा, पहना देती हूँ। चलो जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अभी साई कपड़े पहन रहा है और दूसरे जो नहाने वाले हैं, और मैं यहाँ पे अभी गेट बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अरे साई चला गया, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मामा पकड़ो। तो देखो कितना हो गया मस्ती शुरू, क्योंकि आज तो ईशान नहीं गया था ना, तो ईशान नहाया भी नहीं है। और साई तो नहा के गया था, लेकिन साई को तो बातों में नहाना है, इसीलिए देखिए शुरू हो गए। इंतजार बेचारा कर रहा था ईशान, साई कब आएगा, डेली साई बोलता भैया कब आएगा, आज साई ईशु बोल रहा था कि साई कब आएगा। रुक जा, आप नहीं खेलोगे, आप नहीं खेलोगे, मैं तो खेलूंगा। क्यों बताऊं, आप बैठ नहीं रहे हो। नहीं मुझे ना लगता है। साई अब तो मैंने गर्म पानी डाल दिया ना इसमें, गर्म पानी डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म हो गया ये। मैं बैठ तो गया। हाँ बैठ गया, मजा आ गया सही। चलो सनबात लेते हैं, सनबात। देखो भैया कितना, देखो भैया कितना एंजॉय कर रहा है, आप भी एंजॉय करो। नहीं साई ये बदमाशी नहीं चलेगी। साई तो कान में पानी चला जाएगा, नाक में पानी चला जाएगा बाबू। संडे को मैं नहाऊंगी, संडे को भी आपके साथ। हाँ संडे को रात को इसको पूरा भर के रख देंगे। ऐसे ऐसे लेता मजा आएगा।
साई सुनो, आप अपने बाल तो भिगोगे। देखिए कैसे चिल कर रहे हैं ये लोग। तो गाइस अब मैं डाइविंग करने वाला हूँ। तो 1 2 3 हो गया पोपाट। सही उतरा मैं करूंगा। टू चलो 1 2 3 बच्चों को करने देते हैं मस्ती पानी में और हम अपना काम कर लेते हैं शुरू, क्योंकि मेरा तो काम पड़ा है अभी, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। तो भी नहा के आई हूँ और ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मैं कितनी जैसा बोल रहे हैं हट जाओ निकल आओ, तो निकल नहीं रहे तो। भगवान वाओ वेरी गुड। ये होती है डाइविंग, हटो निकलो। यहाँ पे देखो मम्मा यहाँ पे कुछ कर रही हैं, मेरे को लग रहा है शायद से घी बना रही है मम्मा, है ना मम्मा? हाँ घी बना रही हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं ना अभी बना रही हूँ घी, क्योंकि मेरा एक घी रह जा रहा था बनाने के लिए, तो आज बना देते हैं, घी खत्म कर देते हैं, फिर घी भी खत्म होने वाला है हमारे घर में। तो देखिए ना ये मैं इसमें ना जार में घी निकालती हूँ, और ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ये घी निकला हुआ है, इसका ये पान इसका जो दूध है ये एक्स्ट्रा है, और उसके बाद में मैं दूध को इधर निकाल के रख देती हूँ बाकी दूध को। दोस्तों मैंने ना घी बना लिया है, और देखिए थोड़ा सा ना मेरे को थोड़ा लग रहा था कि लाओ कुछ पी ले कॉफ़ी वगैरह, तो मैं ना कॉफ़ी पी रही थी, तो अभी कॉफ़ी भी पी रही हूँ। और देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने ना अपना बटर निकाल लिया है पूरा, दिखाती हूँ ये देखिए ये बटर निकल गया है, और इधर ये उसका दूध जो था एक्स्ट्रा वो निकल गया है पानी के साथ में, तो इसका मैं बनाऊंगी पनीर, और ये तो घी बनेगा ही, तो जब ये घी बन जाएगा पनीर बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ना घी बना लिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये सब उबाल आ रहा है, अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि ज़्यादा फ्लो होगा तो बाहर निकल सकता है, इसीलिए मैंने इसको बंद किया है। अभी आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने ना पनीर भी बना लिया, तो ये मैंने बना लिया पनीर थोड़ा सा, लेकिन इसमें कुछ जैसे दूध जो लगता है ना उसका कर्ड आ गया है, लेकिन वैसे ये पनीर बहुत अच्छा है और अच्छा बना है। तो दोस्तों अभी ना हम लोग खाना खा लिए हैं, और इधर साई भी खाना खा चुका है, लेकिन देखिए अभी गेम खेल रहा है, और हस्बैंड भी बैठे हैं आराम से, और ईशु अपने बेडरूम में जा चुका है, तो अभी खाना खा लिया है, तो आपसे मिलते हैं शाम को, जाएंगे प्रैक्टिस में, तो आज भी प्रैक्टिस है, लेकिन ना आज इतना पैर दुख रहा है ना, कल जो प्रैक्टिस करे हैं मतलब भाग भाग के, मतलब खूब पैर इतना दुख रहा है, क्योंकि कभी खेलते नहीं हैं, और अभी इस बार खेल रहे हैं तो मतलब दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी शाम को जाएंगे प्रैक्टिस में, तो फिर मिलते हैं आपसे। अभी साई उठ गया है, और अब साई हो गया रेडी, और हम जा रहे हैं ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, और साई भी हमारे साथ जाता है, और साई वहाँ पर करता है मस्ती और पार्क में भी घूमता है। हाँ और साई को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए साई मेरे साथ डेली जा रहा है ना साई। ठीक है चलिए आगे मिलते हैं। होता है डेली जाना होता है। हाँ डेली जाना होता है साई को पता है। गर्म मौसम आ गया है इसलिए हाफ टी शर्ट पहना है। ओ गर्म मौसम में देखिए हाफ टी शर्ट पहनते हैं, आप लोग भी हाफ टी शर्ट ही पहने गर्म मौसम में, ओके, और ठंडे मौसम में नहीं पहनते हाफ, है ना। हम पहुँच गए ग्राउंड, फिर मिलते हैं आपसे आगे। और आज का मैच ना खूब अच्छा रहा, मतलब प्रैक्टिस जो थी बहुत अच्छी रही, आज तो मैंने भी 2-4 बॉल अच्छे से खेल ली, और अच्छा रहा आज का दिन, मतलब मैं खुश हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जो मैं जा रही थी मेरे को बैटिंग अच्छी नहीं हो रही थी, तो आज मुझे बैटिंग अच्छी हुई, तो मतलब खुश हूँ आज मैं। तो चलिए अभी पी लेते हैं चाय वाय। दोस्तों मैं हूँ अपनी किचन में, और मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, जो कि देखिए मेरा रेडी हो चुका है, और एक रेडी है मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये देखिए ये मैंने अभी बना के रखा हुआ है, और ये मेरा एक कढ़ाई में है, मैं बच्चों के लिए कढ़ाई में ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो अभी ना मैं दे देती हूँ बच्चों को,
और फिर बच्चे खाएंगे एंजॉय करके, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं भी खाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, ये रहा हमारा होममेड बना हुआ पिज़्ज़ा जो कि मम्मा ने बनाया है मेरे लिए। और गाइज चलो खाते हैं, इसको खाना शुरू करते हैं। गाइज खाते हैं। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, पिज़्ज़ा हमने खा लिया, तो सबने पिज़्ज़ा खा लिया तो सबका तो पेट भर गया है। अब खाने का तो हमारा सीन हो गया है ख़त्म। तो अब मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, और उसके बाद मैं अपना मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 9 बजने वाला है। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में मैं इसको शेयर करिएगा, मेरे को लाइक करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उस पर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप मेरे अगले व्लॉग को, वीडियो को आप आगे देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो कल मिलते हैं, राधे राधे दोस्तों।